मेरे बच्चे, तू इनका बच्चा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और जी, हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शीशपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और आज है 26 जनवरी। तो यहाँ पर हम देख रहे थे परेड और साथ में पी रहे थे चाय। तो अभी तो हम सुबह की चाय पी रहे हैं और यहाँ मैंने तैयारी कर रखी है लंच बनाने की, यानी कि बनाऊँगी ब्रेड पकौड़े। तो पूरी प्लेट देखने के बाद ही मैंने ब्रेड पकौड़े तलने स्टार्ट किए थे। तो ये चाय का पानी रखा हुआ है, इधर तेल गर्म कर रखा है और उधर सारी तैयारी करके रखी हुई है। ये भर के रखा हुआ है मैंने ब्रेड पकौड़ा। तो बस मैंने इस तरीके से ना पूरा का पूरा तल दिया, उसे काटा नहीं है पहले ना, तो बस इसे तलने के बाद ही काटूंगी। और ऐसे भी बना लेते हैं तो मुझे तो अच्छे लगते हैं ब्रेड पकौड़े खाने। और हमारे यहाँ की तो रीत है कि भाई हमारे यहाँ तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को ब्रेड पकौड़े ही बनते हैं। तो ये बस बन गए हैं और ये दे दिए गए हैं खाने के लिए। और ये देखिए, ये मैं बना रही हूँ सिंपल सोना के लिए, क्योंकि उसको ना आलू की फिलिंग वाले अच्छे नहीं लगते। उसको सिंपल इस तरीके से ब्रेड काट के और उसको फ्राई कर दो बेसन के साथ, बस उसको ये वाले ब्रेड पकौड़े अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ मैंने बना दिए और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए। बाकी सब तो खा चुके हैं ब्रेड पकौड़े ना, अब सिर्फ मैं बची हूँ तो मैं अपने लिए बना रही हूँ। तो एक तरफ मैंने चाय रखी है बनने के लिए और कढ़ाई भी गर्म हो गई है। पहले मैंने सोचा कि जरा थोड़ा बहुत काम निपटा लूँ उसके बाद ही खाऊंगी, इसलिए मैंने कहा चलो अब बनाते हैं। और आप लोग क्या बनाते हैं आज के दिन? हमारे घर आज के दिन यही बनता है ब्रेड पकौड़े। मैंने इसमें बोला उनसे ना, मैंने कहा देख लो अगर आप कहोगे तो मैं पकौड़ी बना दूंगी। कह रहे नहीं पकौड़ी नहीं, ब्रेड पकौड़े बना। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। अभी थोड़ा बच गया है घोलना, देखूंगी या तो शाम को कढ़ी बनाऊंगी, नहीं तो अगर बच्चे बोलेंगे ना कि दोबारा से बना दो मम्मी, तो फिर उनके लिए दोबारा से बना दूंगी। अब गरम गरम तो ऐसे ही खाए जाएंगे कि बाद में बनाए जाए, नहीं तो फिर ठंडा ही खाना पड़ता है ना, इसलिए बना के मैं रख नहीं रही हूँ। कहेंगे तो बना दूंगी, नहीं कहेंगे तो फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो कढ़ी बना दूंगी मैं रात को ना बच्चे हुए बेसन की। क्योंकि दोबारा से गर्म करके खाने में वो बात नहीं आती, जो ऐसे ताजे ताजे खाओ ना गर्म गर्म, उसकी तो बात ही अलग होती है भाई। ये मेरे बन गए 2 ब्रेड पकौड़े, अब इतना घोल बचा है। बन जाएंगे 2, तो बन ही जाएंगे 2 या 3। ऐसे मुझे खांसी नहीं होती, लेकिन जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे खांसी हो जाती है। ये देखो फूला फूला। क्योंकि अगर कहेगी तो सोना ही कहेगी, उसको तो बिल्कुल प्लेन वाले खाने हैं, वो तो कुछ नहीं खाती इसके अंदर ना, आलू वगैरह नहीं खाती, मतलब प्लेन खाती। ये देखो 2 पकौड़े बिना चटनी के खाऊंगी मैं, तो ऐसे नहीं खाऊंगी। चटनी वटनी मेरे को अच्छी नहीं लगती मतलब ना खाने में। हाँ अगर मैं ग्रीन चटनी बनाती तो मैं खा लेती, और चाय थोड़ी ज्यादा बन गई, थोड़ी सी इसके अंदर मैंने डाल ली है, अब खाएंगे पियेंगे। तो जी नाश्ता करने के बाद, नाश्ता बोलो लंच बोलो कुछ भी बोलो आप उसे, लेकिन हाँ चाय के बाद पहला हमने वही खाया, तो मैं नाश्ता बोल रही हूँ। लेकिन लंच के टाइम में खाए से लंच बोल रही थी पहले कि लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने फिर घर के बाकी काम किए और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूरा पलंग फैला रखा था। आज कुछ सामान देख रहे थे अपना, कुछ पता नहीं क्या ढूंढने में लगे हुए थे, तो फिर मैंने कहा आपने निकाला है तो आप ही रखो, क्योंकि अपने हिसाब से रखेंगे ना कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, तो फिर खुद से उठाएंगे, नहीं तो क्या होगा बाद में मेरे से बोलेंगे सुषमा वो कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है। तो मैंने आप खुद से रखो, मैं पलंग मैं पकड़ती हूँ। फिर मैंने पलंग पकड़ा और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ना एक चादर रखी है पीली सी ना, और वो चादर बहुत दिन से रखी हुई है यहाँ पर ना। मैं इनको हर बार बोलती हूँ कि ऐसा करो, इसे दिया और ड्राईक्लीन के लिए, इसको दिया और ड्राईक्लीन के लिए, और ये लेके ही नहीं जाते, पता नहीं किस दिन लेकर के जाएंगे। तो बस अभी मैं भी जाऊँगी मार्केट ना, लेकिन क्योंकि मार्केट आज बंद है। हम जाना छत पर जैसे कि रोज सेल कर रहे हैं उसके क्या फ्रूट दे दे कि मस्त चल रहा है कि तुम लड़ रहे हो क्या, होने वाला नहीं तो लड़का हो रहा है सब क्या है दूसरे से लड़का रहे हैं, हम लड़ते नहीं हैं, हम तो दूसरे से बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ था भाई आपको बताना, मैं तो अपनी वो करने वीडियो के लिए रिकॉर्डिंग, और यहाँ पे मिल रहा है ये सामान मिट्टी का सारा सामान।
से यहाँ पे मार्केट लगनी स्टार्ट हो रही है एक तरीके से। रात को तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, खाने के इतने स्टॉल है ना इधर, खाने के खाने की मार्केट बनी हुई है पूरे। और क्या लाइए? व्हाइट पेन। और ये और क्या दूसरा पेन कौन सा? ये मत खोल अभी, मेरे को भी नहीं खोलना। दूसरा पेन कौन सा है? ये व्हाइट पेन का हाँ। ये मार्कर है हाँ। और ये फाइन लाइनर है। अच्छा, और ये पेन मार्कर मोटा है। और ये टेप हाँ, डबल साइडेड टेप। कैसी पतली सी है ये चिप्स, तभी तो मेरे को चाहिए थे ये चिप्स, ये चिप्स ये चिप्स दिखते ना अगर आप चिपका रहे। और ये बैठे बेचारे काम करने में लगे हुए हैं, मेरे बच्चे तुम तो बच्चा। और हम आ गए मार्केट से, अब हम बनाएंगे चाय और रात का खाना, वो तो जाएंगे शादी में है ना। जाओगे ना शादी में? तू नहीं जाएगी, मैं ही ना जाऊंगी, तू क्या करने जाएगी। चलो जी चाय बनाते हैं के साथ टोस्ट। लेकिन दोपहर का खाना तो हवा कर दिया ना मैंने, बनाया नहीं हवा, तो अब हम खाएंगे टोस्ट चाय के साथ। और देखते हैं बच्चों के लिए बाहर से कुछ मंगाते हैं भैया आज तो ना। सबके लिए दो दो तो बनाने पड़ेंगे। ये टोस्ट बन रहे हैं और ये चाय बन रही है। और ये एक टोस्ट बन चुका, इतनी पिट्ठी बची है, बाकी दो टोस्ट रखे हैं बनने के लिए, बनाएंगे टोस्ट और खाएंगे। और रात को मैंने बनाए थे कढ़ी चावल, क्योंकि इनका शादी में जाना कैंसिल हो गया था, इन्होंने बोला कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तो ये नहीं गए। फिर मैंने कढ़ी चावल बनाए और फिर हम लोगों ने कढ़ी चावल रोटी खाया। और यहाँ पर देखो हैप्पी को आ रही थी नींद, और नींद में ऐसे दौड़ रहा था ना, तो जब तक मैंने कैमरा ऑन किया ना तब तक तो दौड़ चुका था। तो लास्ट का सीन है। तो चलिए अब कल मिलेंगे आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम। अपना ध्यान रखना।